तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं किशन ओझा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन ओझा में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल तो पढ़ा ही होगा कि आज हम बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के छोटी बड़ी अपडेट के साथ आए हुए हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल द्वारा बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट GS की तैयारी कराई जा रही है। तो आप यहाँ से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में यहाँ से आ सकते हैं और प्लेलिस्ट आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिजिक्स का दो वीडियोस अभी आ चुका है, दो चैप्टर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यांत्रिकी और दूसरा हीट चैप्टर, दो चैप्टर्स की अभी पढ़ाई हो चुकी है। तो अगला चैप्टर हमारा साउंड होगा। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये क्वालिटी कंटेंट मिल सकता है बहुत ही अच्छा तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप यहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके यहां पर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल के जितने भी क्वालिटी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी की रेगुलर अपडेट्स और आपको यहां पर क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है, तो आप से जुड़े रहें हमारे चैनल से। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि 21 स्नातक में एडमिशन के लिए अप्लाई चालू, यानी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई चालू हो चुकी है। जो BRBU जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अप्लाई चालू हो चुकी है। 8 से 60 कॉलेजों के लिए 7000 सीटें भी उपलब्ध कराई गई हैं यहाँ पर। तो आज से आप स्नातक में एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में। तो सबसे बड़ी न्यूज़ हमें ये निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका नोटिस भी बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा निकाला गया है। आप देख सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से मुजफ्फरपुर, आज का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है कि आज से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी 21 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे अपडेट की तरफ आते हैं। दूसरा अपडेट हमारा क्या निकल कर आ रहा है, मगध यूनिवर्सिटी बोस्ट गया से आ रहा है कि वहाँ पर अप्लाई अप्लीकेशन फॉर्म जल्दी आ चुका हुआ है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं 17/7/2020 से अप्लाई यहाँ पर चालू हो चुका है। और हमारा तीसरा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए ऑनलाइन दाखिला 1 अगस्त से जारी किया जाएगा। तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में 2020-23 सेशन के लिए स्नातक में अप्लाई दाखिला UG कोर्स के लिए 1 अगस्त से किया जाएगा। और हमारा चौथा सबसे बड़ा लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर रहा है, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई चालू हो चुका है 19 तारीख से। आप सभी को पता ही होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 अगस्त से इसका अप्लाई चालू हो चुका है और ये 14 अगस्त तक अप्लाई इसका चलेगा। और इसका जो मेरिट लिस्ट है 19 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा और इसका 27 अगस्त तक एडमिशन भी हो जाएगा और 27 अगस्त तक इसमें एडमिशन हो जाएगा। और आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं हम मेरिट लिस्ट आपका, जो 3 सितंबर को सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेगा, जो 12 सितंबर तक उसका एडमिशन हो जाएगा और थर्ड मेरिट लिस्ट इसका 18 सितंबर को निकलेगा, जिसका 24 सितंबर तक इसका एडमिशन हो जाएगा। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। और पांचवा हमारा लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हो रहा है कि फॉर्मूले के आधार पर अगली कक्षा में किया जाएगा प्रमोट। इस पर अभी चल रहा है कि फॉर्मूले के आधार पर इसको अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए अभी इस पर बात चल रहा है, अभी मतलब किया नहीं गया है। छठे हमारे अपडेट है कि PPU में 10 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया, मतलब PPU की 14 अगस्त तक इसका डेट निकाला गया था PPU में एडमिशन के लिए, तो वो एडमिशन डेट बढ़ा दी गई है। PPU में 10 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया की जाएगी, जो पहले 14 अगस्त था वो 10 अक्टूबर तक इसकी नामांकन प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। और जहाँ तक यहाँ से एक और अपडेट निकल कर आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा समिति की एडमिशन आ चुकी है कि रिजल्ट आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सैंपल पेपर है, मार्कशीट का उसका सैंपल पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पास निकल कर आ चुका है। तो हमारी अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पूर्णिया विश्वविद्यालय से। पूर्णिया विश्वविद्यालय में PhD कोर्स वर्क की ऑनलाइन परीक्षा 25 जुलाई से इसमें दी जा रही है कि PhD की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी पूर्णिया विश्वविद्यालय में। पूर्णिया विश्वविद्यालय में 25 तारीख से ऑनलाइन परीक्षा PhD की ली जाएगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ बता सकते हैं कि नामांकन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा यहाँ पर
अंक प्रमाण पत्र मतलब 10वीं और 12वीं की अंक प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देनी होगी। साथ में यहाँ पर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगेगा और उसके बाद से माइग्रेशन यानी CLC का भी लगेगा और जनरल को छोड़कर जो भी BC1 BC2 SC ST सब है उनका जाति प्रमाण पत्र उनके यहाँ पर लगेगा और साथ में दिव्यांग लोगों के लिए हैंडीकैप यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस पर पूरा वीडियो हम नेक्स्ट में बता देंगे आपको अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से आपको लिंक मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।